एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे सब बार बार मुझसे पूछते हैं वो ये है कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसे। अब देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा है ना कि ना तो इसका जवाब देते बनता है और ना ही इसको छोड़ते हुए बनता है। रीजन क्या है कि आप किसी चीज को प्रिपेयर कब करते हो, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या यूपीएससी में आपको इसकी रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली है। तो ये क्वेश्चन तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, तो आज से शुरू कर दो, अभी ये वीडियो खत्म करो और जाकर के लिखना शुरू कर दो, प्रिपेयर करना शुरू कर दो एसे को। लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा कि आखिर बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते क्यों हैं, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे ना तो हमारे लिए एसे को लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। जब आपको अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है ना, जब आपको क्वेश्चन करना जानते हो, जब आप क्वेश्चन के पीछे का रीज़न ढूंढना शुरू कर देते हो, जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हो ना, तब आप सही मायने में एसे को प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो इसी नोट पे हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन क्यों करते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसे, और फिर उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है, कब से आपको करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि आखिर बच्चे ऐसा कहते क्यों होंगे। सबसे बड़ी बात, उनके दिमाग में दो चीज़ आता होगा। पहली चीज़ तो ये कि या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि पेपर तो बहुत इजी है, तो कभी भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट क्यों करना, जब हम मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उस टाइम पर हम एसे की प्रिपेयर कर लेंगे, 3-4 दिन में, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। और दूसरे वो लोग होते हैं ना जिनको की हिम्मत ही नहीं बनता कि वो कुछ इसके लिए प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि जीएस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जीएस के लिए आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन एसे के लिए कोई आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड बुक आपके पास एसे के लिए कोई बढ़िया कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन लाजिम हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा दो रीज़न, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होना या तो अंडर कॉन्फिडेंट होना, दोनों ही रीज़न की वजह से जो मुझे लगता है बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर हम इसे प्रिपेयर करना शुरू कब करें। एक और रीज़न हो सकता है, रीजन ये हो सकता है कि ये पेपर कंपेरेटिवली सॉल्व करना या इसको कमांड करना थोड़ा इजी है, तो लोग सोचते हैं कि आखिर हमारे लिए एक ऑप्टिमम टाइम क्या रहेगा, क्योंकि लोग के पास सपोज कि टाइम नहीं रहता, कोई जॉब जाने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे को छोड़ करके उन्हें लगता है कि वो मेंस की बात कर सकते हैं, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर हम कब करें, क्या हम मेंस से पहले करें या मेंस के बाद करें, या मेंस से पहले भी करें तो कितने दिन पहले करें ताकि वो दिमाग से चीजें ना निकल जाए। तो उनका भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये जेन्युइन रीजन है उनके क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि इसका जो है ना ये दिमाग में आना एकदम वो है, ऑब्वियस है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं आपके पास टाइम की कमी होती है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना होता है, तो उसमें आप देखते हो कि आखिर हम इसे किस टाइम स्लॉट में फिट करें जिससे कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। तो ये तो हम लोगों ने रीजंस देखे। अब रीजन मैंने क्यों बताया आपको, आप समझ सकते हैं कि हम हर चीज़ का रीजन ढूंढना चाहिए हमें। ठीक है, नहीं मिल रहा है आपको, 10 दिन बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, कभी ना कभी तो जाकर के मिलेगा। ठीक है, जो सैकड़ों जनरेशन पहले नहीं मिला ना जो क्वेश्चन सबका आंसर, वो आज मिल रहा है, लेकिन वो कब मिल रहा है, जब हम लोगों ने सोचना जारी रखा। यदि हम लोग तो सोचना छोड़ दिया होता ना तो हमें कोई चीज़ का रीज़न नहीं मिलता। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के पार्ट पे कि आखिर आपको कब इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। देखिए, ये ना आपको सवाल खुद से करना पड़ेगा, क्या सवाल, कि आप सोचने में कैसे हैं। ठीक है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी डिबेटिंग स्किल्स कैसी है, क्या आपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आप डिबेट में पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं किए थे, क्या आप लोग दुनिया को सोचते हो कि नहीं सोचते हो, क्या आखिर ये है तो ऐसा क्यों है, कब से है, कैसे है, कब तक रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आप करते हो कि नहीं करते हो। यदि आपने ये सारी क्वालिटीज़ है ना, तो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो, फिर आपको इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं है, आपको जब मन होना एक ऐसे लिख देना, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी सालों से चालू है। ठीक है, कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने कि कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने कभी ऐसा थिंकिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, उनके लिए बेस्ट टाइम क्या है, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये वीडियो खत्म होते ही जाकर के अपने आप को शुरू करो प्रिपरेशन, क्योंकि ये ऐसे जो है लिखने मात्र का नहीं है, ये सोचने की कैपेसिटी बढ़ाने का, क्योंकि आपने चाहे जीएस के कितने पेपर पढ़ लो, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सैकड़ों किताबें पढ़ लो, लेकिन यदि आपको सोचना नहीं आएगा ना, तो आप क्वेश्चन को वहां पर समझ नहीं पाओगे। जीएस के क्वेश्चन भी आजकल घुमा करके पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे, आप आंसर क्या दोगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को समझना, जो क्वेश्चन में निटी ग्रिटीज है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना कि एक वर्ड से ना क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है पूरा, जब आपको वो समझ आने लगेगा ना, उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। कैसे होगी प्रिपरेशन, जा करके मेरी वीडियोस देखना शुरू करो, आपको बहुत सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, सिर्फ आप सुनो, आप लर्निंग मोड में आ जाओ, जिस दिन आपकी लर्निंग होने लग जाएगी ना, उस दिन आपको ऑटोमेटिकली आप लिख भी लोगे। ठीक है, आप दो दिन में आपकी सारी की सारी वीडियोस देख जाओगे। ठीक है, वो वीडियोस देखने के बाद आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर दो, पहला ऐसे लिखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं एटलीस्ट लिख सकता हूं। ठीक है, आपको उसी चीज की रिक्वायरमेंट, और कुछ आपको चाहिए नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रिपरेशन अभी शुरू कर देनी चाहिए।
अब उन केस की बात करते हैं जो कि जॉब करने वाले हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है या उनके पास 6 महीने बचा है, 4 महीने बचा है और उन्हें अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। देखिए, यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत पहले से नहीं चल रही है ना, तो मैं कहूँगा अभी से मत कीजिए एस सी के पेपर को प्रिपेयर। अभी आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, बाकी के जीएस पेपर को प्रिपेयर कीजिए, और जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एस सी को प्रिपेयर करने के लिए 10 दिन का टाइम एलोकेट कीजिए, और 10 दिन में आपको एस सी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से आप उसे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आप लोग बाद में कर सकते हो, लेकिन बाकी लोग जिनके पास अभी समय है, जो कि आगे के अटैम्प्ट देना चाहते हैं, 2024 का देना चाहते हैं, 2025 का देना चाहते हैं, इनफैक्ट यदि आप 2023 का भी देना चाहते हैं ना, तो थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं इसके लिए, निकालिए, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप इसको प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। तो ये था इसका क्वेश्चन का रीजन और उस क्वेश्चन का प्रोबेबल आंसर, जो मुझे लगा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आपको ये आंसर सही लग रहा है, आप अपनी लाइफ में इसे उतारने का प्रयास करोगे, कमेंट करके बताओ, और यदि नहीं, वीडियो को डिसलाइक कर दो, ऑप्शन है, हालांकि वो आपको शो नहीं होगा कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया, स्टिल जाकर के कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि नए हो तो। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।